फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप कीवी का जो क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोसेस के साथ हम अप्लाई करने का प्रोसीजर बताएंगे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हम लास्ट तक आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है एंड यहाँ पर आपको कैसे अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पर जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया गया था कि आपको डेट दे दी थी कि कितनी तारीख को आप अप्लाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरी डेट जो थी वो हमको दे दिया, हमको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसीजर हमको दे दिया गया। अब यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। फ्रेंड, आपको इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। जब आप अपने कीवी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे या साइट पर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर वेरीफाई अप्लाई केवाईसी डन, आपको ये वाले प्रोसेस करने हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अपने पैन डिटेल डालनी है, आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, वही पैन कार्ड डालिए जिसके आपको ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। एंड इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए आपको फोर क्रेडिट कार्ड आपको फिर से ऑप्शन आ जाएगा एंड केवाईसी करनी है। एंड आपका यहाँ पर कुछ ही दिनों में, यहाँ पर कुछ ही घंटों में आपका यहाँ पर डन कर दिया जाएगा कि अप्रूवल होगा नहीं अप्रूवल होगा आपको बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 10 मिनट में बता सकते हैं, 20 मिनट में बता, एक घंटा भी, एक दिन भी लग सकता है। आपको यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिटेल, आपके डिटेल के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब यहाँ पर इसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर बोला है योर पैन डिटेल विल बी यूज्ड टू क्रेडिट चेक एंड आल्सो प्री फिलिंग योर एप्लीकेशन। आपका यहाँ पर जब पैन कार्ड आप डालेंगे तो आपका जो डिटेल होती है पैन कार्ड की, वो आपने ऑटोमेटिकली ही आपका चेकअप कर लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने अपना नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको लोडिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपका लोडिंग होगा थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आपको लोडिंग करेगा। यहाँ पर रोलिंग यू आउट दिस रीड कारपेक्ट, यहाँ पर आपको टू ईज योर माइंड, यहाँ पर आपको कुछ टाइम आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर जब वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस, नेक्स्ट आपको इंटरफेस निकल कर आएगा। आपको यहाँ पर योर पैथ, यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट आपका हो जाएगा, आपका वेरीफाई कर लिया एंड आपका अब अप्लाई करने का प्रोसीजर आ चुका है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सरप्राइज़ का ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा, यही आपको तब मिलेगा जब आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल कर लिया जाएगा, अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे, कम से कम 2 मिनट में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। एंड इसके बाद अपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, कैरियर डिटेल, ये आपको तीन को तीन फिल करनी है। आपको यहाँ पर केवाईसी अपना करना है एंड केवाईसी करने का आप जैसे गेट स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, आपके अपनी डिटेल डालनी है, आपको नाम, आपका यहाँ पर अपना मदर का नाम डालना है, फुल नेम डालना, फादर का नाम, जैसे कि हमने पहले अपना नाम डाल दिया था। एंड आप यहाँ पर अपनी पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। उसके बाद जब डाल लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, लेट्स गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, आपको यहाँ पर अपना जो है वो अपन को डिटेल डाल देनी है आपको यहाँ पर। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैरी डिटेल के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दिया आप क्या करते हैं, वो आपको डालना है। आई एम एम्प्लॉय, आई एम ओन बिजनेस, आपका खुद का काम है। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं वो डाल सकते हैं, आपका खुद का काम है तो वो डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से चूज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 100% अप्रूवल हो जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जब क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। फिर यहाँ पर आपको योर बिजनेस, आपकी बिजनेस की डिटेल डालनी है, आप कौन सा काम करते हैं वो आपको डिटेल डाल देनी है। ये वाला आपका स्टेप हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पर जब से ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है आप किस फर्म के अंदर काम करते हैं, आपका प्राइवेट काम है कि सोले प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप कर रखी है, आप जो भी है कैटेगरी से आपको वो वाली अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपका अगला ऑप्शन क्या निकल कर आएगा आपको। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालने का ऑप्शन आ सकता है। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड, एक आधा आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। फ्रेंड, आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह मांगेगा तो आप यहाँ पर अच्छे से डाल दीजिए। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है। एंड जब पिन कोड ये वाला पर डाल लेंगे तो आपको यहाँ पर वही, आपको कुछ कुछ ही जगह पर आपका पिन कोड नहीं भी मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेरा जगह का यहाँ पर पिन कोड नहीं मांग रहा था।
तो यहाँ पर मैंने अलग पिन कोड ट्राई किया तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर मान लिया गया। अब यहाँ पर आप जब ये कर लेंगे तो यहाँ पर करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपको फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपनी इनकम डालनी है, आप कितना कमाते हैं साल का, महीने का कितना कमाते हैं। यहाँ पर ईयरली पूछा है तो अभी आप यह अपना साल का डाल सकते हैं, यहाँ पर आप कितनी का आपकी इनकम रहने वाली है। एंड इसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आपकी पढ़ाई पूछी गई, आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछी गई, एजुकेशन पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या निकल कर आ रहा है वो भी बता देते हैं आपको फ्रेंड। यहाँ पर जब सारे के सारे आप स्टेप करने के बाद आपके यहाँ पर जो आपने नंबर डाल रखा है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर डालना है। जब डालेंगे तो यहाँ पर अगर आपकी कोई मिस्टेक अगर हो रखी है तो आप पहले ही सेट कर लीजिए, आपको एडिटिंग का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी अगर गलती है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फाइनल स्टेप होने के बाद आपको वेरीफाई करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है वो भी आपको बता देते हैं फ्रेंड। जैसे कि ये लास्ट स्टेप रहने वाला है आपका, यहाँ पर यहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा कि नहीं आपको अप्रूवल मिलेगा, ये आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, जो आपने सब डिटेल भरी है वो आपकी वेरीफाई की जाएगी, चेक की जाएगी, अगर आपको यहाँ पर सही रखता है इनको तो ये आपको यहाँ पर अप्रूवल देंगे। तो एंड इसके बाद थोड़े दिनों में यहाँ आपका कार्ड बन जाएगा एंड आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के अंदर ही शो करने लगेगा फ्रेंड। जैसे कि जब आपका कार्ड बन जाएगा तो आपको इस तरह का कार्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी लिमिट बता रखी है कि एंड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट आपके यहाँ पर एवरी मंथ आपको यहाँ पर जनरेट किया जाएगा, आपका बिल अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जनरेट किया जाएगा। आप यहाँ पर कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी आपको कैशबैक भी दिया, आपको इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपको एक्सिस बैंक की तरफ से यहाँ पर पार्टनरशिप के तौर पर आपको दिया जाएगा आपका गुड क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग। आई होप मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से प्रोसीजर का स्टेप बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भेजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी स्टेप करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।